वेलकम टू माय होम एंड नेचर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हमारे जितने व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं और जो वीडियो को वॉच करते हैं, और मेरी भगवान से दुआ है कि वो सब लोग अच्छे रहें। और हमारे घर में थोड़ा, आप लोग सभी जानते हैं कि प्रॉब्लम्स चल रही हैं और प्रॉब्लम्स ज़्यादा ही चल रही हैं। अब भगवान परीक्षा ले रहा है तो क्यों ले रहा है, कैसे ले रहा है, तो वही जाने। बट आज का व्लॉग में यही सब बताने चल रही हूँ। और आज देखिए, आज फ्राइडे है तो आज गर्मी भी बहुत है और अभी बादल वादल आए, गरज वरज थे बट बादल पर बारिश नहीं हुई, गर्मी काफ़ी है। तो मैंने कूलर अभी ऑफ कर दिया था, इसी स्लाइड भी नीचे कर दी थी, ये देखिए। और अभी हमने चलाया था बट अभी मैं बोल रही हूँ तो आपको वॉश नहीं आती, तो इसलिए मैंने ऑफ कर दिया इसे। तो अब देखिए इधर, देखिए कपड़े, ये सब इतने कपड़े वॉश किए हैं। और इधर आपको दिखाते हैं, ये पूरा बाल्टी भर के इतने कपड़े हैं, ये पूरा भी लाए हैं नीचे। ये देखिए, आप तो जानते हैं इसी बाल्टी में कपड़े लाते पर छत पर से, तो ये समझ लीजिए कि इनके डैडी के कपड़े हो गए और बिट्टू के कपड़े हो गए। और सबके कपड़े वाश करती हूँ, फिर उस समय नहाती हूँ। और अभी भी कपड़े पड़े हैं मशीन में, मैं भी दिखाती हूँ। तो कहने को तो बहुत सारे लोग हैं, आते हैं जाते हैं, आए हैं गए हैं, और कोई इनकी सेवा के लिए तो कोई नहीं आया है। इसीलिए मैंने अपने बिट्टू के लिए एक नर्स रखी थी, नर्स इनके लिए भी कर लेते, मतलब बॉयज़ नर्स जो होते हैं वो उनको कर लेते, बट इन्होंने थोड़ा मना कर दिया। बट हम तो कर लेते हैं, हमको तो ज़्यादा बेटर लगता है, ज़्यादा है नहीं करता, किसी की रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती। काम तो सब अपने करने हैं, बाकी जो लोग आए उनकी सेवा सत्कार ज़रूर करनी पड़ती, चाय पानी कॉफ़ी ये सब। दुनिया भर का इतना थक जाओ, लगभग एक दिन में 15-16-17 लोग आ रहे हैं, तो वही है, यही अपडेट है। और मान के चलिए कि कुछ लोग बहाना भी बना रहते हैं कि उनको कहीं टाइफाइड हो गया, कहीं फीवर हो गया। फीवर तो हमें भी हॉस्पिटल से के दूसरे ही दिन हमको 102-103 तक का फीवर आया, और खूब खांसी आ रही, जुकाम हो गया, बहुत ज़्यादा आए गए एसी में। फिर आके हॉस्पिटल से नहाना तो भी नहीं बनता, तो नहाए बहाए, फिर बहुत ही अपसेटिंग माहौल हो गया, इतना टेंशन हो गया कि हमारा तो फीवर ही, कभी ज़िंदगी में हमने इतने दुख देखे ही नहीं जो अब हो रहे हैं। तो इस चक्कर में हमें फीवर हो गया, और वो तो कही हमारी कुकिंग मेड और हमारी होम हेल्पर जो है, हाउस कीपर हेल्पर वाली बहुत अच्छी है। सारे अगर मैं कपड़े धुलती हूँ तो क्यों, धुलने का काम उसका नहीं है, वो भी नहीं चाहती कि गंदे कपड़े वो किसी के धुले, नाइकर रेन किसी के धुले कुछ है। तो जब मैं धुलती हूँ तो वो फैलाती है कपड़े, बट वो फैला देती है इतने काफ़ी, उतार लाती है बाल्टी में रख देती है, मोड़ के रख देती है, इतना ही बहुत है हमारे लिए, बहुत है। और ये भी काम किसी अपने ने नहीं किया है, सब आते हैं जाते हैं और देख के चलते बनते हैं, 5-5 मिनट मेहमान बन के आते हैं। और इतने बहना बहनी हैं सब हैं, बट कोई ये नहीं करने को आया कि हाँ चलो मामा की सेवा ही करते हैं, 2 दिन रुक जाए, 1 दिन रुक जाए, सब को जहाँ आराम मिलता है सब अपने अपने काम में बिजी हैं। और ये कहने में हमें कोई वो नहीं है, संकल्प जो सच बात है वो आप सबको जाननी भी चाहिए, और क्योंकि व्लॉग है तो आपको सब जानना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। तो हमारे एक बहना जी हैं अंकित गणेशपुर, तो वो साथ दे रहे हैं, बहुत साथ दे रहे हैं। और दूसरे हैं एक जीजा उधमपुर वाले, बस और कोई हमको दिखता नहीं है। बाकी हमारे दोनों बच्चे कर रहे हैं, बेटी तो करने लायक ही नहीं है अभी, बेटी का काम सारा करना और अपने डैडी का करना, ये सब अभी 2 महीने से यही सब चल रहा था, तो इधर ऐसे ही चल रहा था। उसमें भी थोड़ा सा अभी कुछ रहने की कोशिश करो, थोड़ी सी इतनी सी चुनी सी खुशियाँ, कुछ किया नहीं, कई त्यौहार बीत गए, बस जो खाना बनाते हैं विदाउट ऑयल या विदाउट जैसा भी जिसकी डाइट चार्ट है उस हिसाब से खाना दे रही हूँ। तो मैंने तो हम ही को करना है, आपको आए या ना, इससे हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। बहुत लोग तो फ़ोन से भी हालचाल नहीं पूछते हैं। फिर बेटी के यहाँ भी अभी उनके ससुर जी नहीं रहे थे, तो वहाँ भी बड़ा बेटा गया था और अंकित ही गए थे वहाँ भी जाने के लिए। सब अपने अपने में, कोई जिम जा रहा है, देखती हूँ मैं सबके स्टेटस देख रही हूँ, कोई गाड़ी के टायर घुमा रहा, जबकि हमारी ही सारी चीज़ें हैं और हमी ने दी हैं, और कोई गाड़ी में मस्ती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब कर रहे हैं, सब अपना काम अपने अनुसार कर रहे हैं, कोई नहीं आ जा रहा है। बस आधा घंटा 15 मिनट को आएंगे, बैठेंगे, बस चले जाएंगे। और ये किसी ने नहीं कहा कि हम मामा के सर में कोई तेल लगा दें, कोई मालिश कर दें, कपड़े चेंज करा दें या कुछ है, ऐसा कुछ किसी ने नहीं किया है। तो हम ही लोग को करना है, और तो हमने अब उनसे इनको एहसास भी होता है। अभी एक दिन बोल भी दिए थे, अब किसी साले की हेल्प नहीं करनी चाहिए, और हेल्प करके भी देख लिया, नहीं करके भी देख लिया, कलयुग है ये, तो हमने कहा तो कलयुग तो है ही है, फिर अब आपको समझ में आ रहा है ना। तो वही है कि चाहे जितने बहन हो, चाहे भाई हो, भतीजी हो, बहना हो, कोई भी हो, चाहे जिस पोस्ट पे जो हो, पर पैसे फाइनेंशियल भी आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा ना, शारीरिक कोई करेगा, करना हमको ही पड़ेगा, और करना पड़ेगा हमारे केवल बच्चों को।
बस ये हमने इतना सबक लिया है, बेटी के हम तो कोई आया तक नहीं, आ ही नहीं रहा था देखने, इनके हम तो चलो रोज़ 15-16 लोग आ रहे हैं, ऑफिशियल भी आ रहे हैं, ऑफिशियल लोग बहुत अच्छे हैं क्योंकि ऑफिशियल लोग फाइनेंशली भी हेल्प कर रहे हैं और हेल्प कर रही हैं और आ भी रहे हैं, हालचाल भी बहुत पूछ रहे हैं, सब आते हैं। पर वही है कि क्या किसी के पास पैसे नहीं हैं, पर किसी ने ये नहीं कहा कि लो बच्चों रख लो शायद तुम्हारे काम आएंगे, किसी ने बोला। तो बस यही है कि बहनें होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए, सब होनी चाहिए ऐसे होने चाहिए, केवल 1 किलो 1.5 किलो सेब लाने से, संतरा लाने से कुछ नहीं होता, ये तो गैर लोग भी लाते हैं, मोहल्ले के भी लोग ले आते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपनापन जाहिर करने के लिए होनी चाहिए। तो अब टाइम हो रहा है और हम किचन में आ चुके हैं, वीडियो भी हमारा बनता चला जा रहा है और आज बनाया है हमने इनके पसंद के चीज़ें। और रोज़ तो एक टाइम इनको मेरी कुकिंग मेड ही खाना बना के दे रही है और मैं हेल्प करती हूँ क्या बनाना है, मैनेज कर रही हूँ मैं, और बहुत काम हो जाते हैं क्योंकि लोगों का इतना आना जाना ही हो जाता है, दसियों चक्कर ऊपर चढ़ो भी तो हमारा तो वैसे ही है कि अरे आप इतनी पतली हैं, अरे पतले होने से क्या होता है, पतले हो या हम कुछ भी हो आपसे तो नहीं ही कहने आ रहे हैं। तो अभी हमने किचन की लाइट ऑफ कर दी है कि 9:30 बजे मैं खाना दूँगी, अभी खाली पेट वाली दवाई दिया है बच्चों ने, दोनों लोग की वैसे ही है सेम, जो उनकी मेडिसिन खाली पेट वाली उनकी भी मेडिसिन है, तो बिट्टू का और उनका दोनों लोग का खाना पहले दे देते हैं, बाद में सबका होता है, हम लोग 10:30 बजे तक खाना खाते हैं। और इधर चले हैं फिश पॉन्ड की तरफ और इधर भी अपने पशु पक्षी जीव जंतु इनकी भी सेवा करती ही रहती हूँ और शायद इनकी सेवा से ही इनके भाग्य से जो होना था वो नहीं, वह टल गई, बलाएँ टल गई, और हम तो कहते हैं जो बलाएँ आएँ वो टल जाएँ, और दुख सुख तो इसी जीवन का हिस्सा है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी जीवन में इसी धरती पे सबको सुख भी भोगना है दुख भी भोगना है, कोई हम ही नहीं है, कोई और कोई यही नहीं है, कोई मतलब सबको ऐसा करना पड़ेगा। अगर किसी के गोल्डन डे चल रहे हैं, कहते हैं ना हर किसी की लाइफ में 15 साल बहुत अच्छे गुजरते हैं, हर किसी की लाइफ में 15 साल बहुत अच्छे गुजरते हैं, फिर 15 साल के बाद वो अपने आ जाता है उसकी, हर एक इंसान की आयु की 15 साल हैं बहुत अच्छे गुजरते हैं, चाहे किसी की भी लाइफ के हों, और एक कैसे है क्या है बटे ज्योतिष में है, और यहाँ तक कि हमने ज्योतिष की पूरी बुक ही पढ़ी है। तो आप हमसे कोई भी सवाल क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बहुत कुछ आता है और ऐसा होता है ये कहना नहीं चाहिए, जैसा मैं सोचती हूँ या किसी के लिए कहती हूँ, वैसे बुरा मैं कहती ही नहीं हूँ किसी के लिए, बट ऐसा होता भी है, तो किसी का हमने बुरा तो करा ही नहीं, करना चाहते हैं, बट भगवान का क्या करें, भगवान जी परीक्षा लेते हैं देकर भी और लेकर भी, तो अगर भगवान ने कुछ हमको दिया है और थोड़े कष्ट दे दिए कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी है, और जो जिसके कर्म में है वो तो उसको मिलेगा ना, तो सबके अपने अपने भाग्य हैं कर्म हैं। तो यही आपसे बोलना था इस ब्लॉग में कि हमारे फिश हैं और इनको अभी चारा देने चल रहे हैं और इसी समय चारा दे देते हैं, और हमारा टर्टिल, एक हमारा टर्टिल बिट्टू का ऑपरेशन था उसके पहले ही नहीं रहा था, अभी देखिए एक ही है हमारे पैमाने, मेरा बच्चा है छोटा सा, तो इनका सबका भी हमको ध्यान रखना है, और मैं तो एनिमल्स लवर भी हूँ तो क्या ही बताएं हम, इनका ना करेंगे तो कौन करेगा फिर इनका भी, क्यों, हमें शौक़ था, हमने पाला है इनको, हमारे घर के सदस्य ऐसे हैं ये बिल्कुल भी। चलिए खाना देख के इनको फिर अभी मिलते हैं आपसे। और ये देखिए हाथ में आज मशीन से कपड़ा निकालते थे मैं, चोट भी लग गई, ये देखिए नस कैसे हुई है, फूल गई है, हाथ में दर्द काफ़ी है, और इसी तरह दूसरे हाथ में भी मैं आपको दिखाती हूँ, अभी ये ऐसे लाल हुआ है, पर हमारी वही कहते हैं कि जिसकी पीड़ा होती वही जानता है, कोई दूसरा नहीं समझ सकता है, बस आते हैं लोग फॉर्मेलिटी करने और चले जाते हैं। अभी आपको कपड़ा भी दिखाते हैं जो अभी मैंने धुले हैं और जस्ट अभी नहाया है, चल रहे हैं आंगन की ओर, और इग्नोर करिएगा आंगन में, देखिए हमने अपने कपड़े भी धो के डाले हैं जो कि सुबह जो है फैलाएंगे, क्योंकि रात में कपड़े फैलाने चाहिए, देखिए अभी पड़े हैं, ये बिट्टू के भी हमने धुले हैं,
और ऊपर इनके चला दिए थे मशीन से, भैया ने निकाले हैं बड़े वाले, और हमारी मेड कुकिंग वाली है तो उसमें उस सुबह फैलाएगी कपड़े। और इधर देखिए ये रक्षाबंधन के लिए बड़े वाले अनारसे मंगाए हैं, ये अंकित कल गांव जा रहे हैं उनको देने के लिए, और ये स्वीट मंगाई है, इसमें स्वीट मंगाई है। तो ये दोनों चीज़ें बिटिया ने राखी के लिए भैया को दे रही है, तो ये अभी मंगा लिए हैं क्योंकि वो कल 10-11 बजे तक चले जाएंगे, तो इसी समय मंगा लिया है ये। और इतने लोग कभी कभी आ जाते हैं ना कि इन बोतलों से काम नहीं चलता है, बहुत बोतलें खाली रहती हैं, आर ओ नहीं चल पाता है, तो इसमें ना हमने पानी भर के एक बार आर ओ चला तो इसमें भर दो, तो इसमें से सबको देने में आराम रहता है। तो देखिए ये भी कर लिया हमने अच्छे से, मान लो कि पकौड़े वाले बेटे ने रखा है। और इधर देखिए आप, मेरे यहाँ आज कोई ज़्यादा सब्जी नहीं है, और सब्जी नहीं है तो फिर हमने इतने सारे मिर्ची रखे हुए हैं अभी धुल के, और सब्जी नहीं है, कल लाएंगे सब्जी। और खीरे सलाद में काटने के लिए तो मंगा लिए थे, सब्जी कल लाएंगे देखेंगे। आज सोचा था निकलने को, बट आज बहुत ही गर्मी ज़्यादा थी तो निकल ही नहीं पाए, तबीयत थोड़ा ख़राब ही लगी। तो व्लॉग में आप अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ना भी अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, व्लॉग बनाना हमारा काम है। और जिन लोगों को लगता है कि स्टेटस में हम ऐसा लगता है ऐसा लगाते, तो देखिए स्टेटस और व्लॉग और यूट्यूब पे तो हमने अपना चैनल ही बनाया है, तो उस पर तो हम काम करते ही रहेंगे और हमारा वर्क है ये, तो किसी को ये ना लगे कि हम किसी के लिए स्पेशली कोई चीज़ बनाते हैं, सब कुछ भी नहीं है। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर। अब हो चुका है खाना इन लोगों को देने का टाइम, क्योंकि बज चुका है 9 बजे मेडिसिन हो जाती है खाली पेट वाली, और फिर उसके बाद में सब खाना दे रहे हैं। और आज 4 लोग मिलने आए थे दिन भर में, आज फ्राइडे है।